मंगलवार को भिलाई शहर के बीच से गुजरने वाली नेशनल हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर के निर्माता कंपनी के अधिकारियों एवं नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने चर्चा की और सुपेला चौक जल्द से जल्द आवागमन के लिए खोलने को कहा। भिलाई शहर के बीचों बीच फ्लाईओवर का निर्माण जारी है, जिससे नेशनल हाईवे पर यातायात का दबाव कम किया जा सके। इस निर्माण से होने वाली समस्याओं को निर्माता कंपनी के द्वारा ही सुधारा जाता है, परंतु ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने जिला कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को ज्ञापन सौंपा था और वहीं से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के छत्तीसगढ़ के प्रभारी श्री पिपरी जी से दूरभाष पर चर्चा की थी, जिसके बाद मंगलवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं फ्लाईओवर निर्माता कंपनी के अधिकारी मौके पर उपस्थित हुए और प्रदेश महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया के साथ स्थल का मुआयना किया। अरुण सिंह सिसोदिया ने सारी गंभीर परिस्थितियों से निर्माता कंपनी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को अवगत कराया, जिसमें फ्लाईओवर निर्माण की वजह से वर्तमान में आवागमन करने वाली सड़क की बदहाली एवं उस पर आवागमन करने वालों की सुरक्षा तथा सुपेला चौक को जल्द से जल्द खोलने के साथ फ्लाईओवर पर आवागमन 2 माह के भीतर प्रारंभ करने को लेकर चर्चा हुई, जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं फ्लाईओवर निर्माता कंपनी के द्वारा आश्वस्त किया गया कि आने वाले 2 से 2.5 माह में फ्लाईओवर पर आवागमन प्रारंभ कर दिया जाएगा और इस बीच फैली अव्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। और के जो बीच वाला स्पैन पर भी नहीं खुल सकता है, लगभग 2 महीने के आसपास कुछ काम आता ही है, उसके बाजू के जो एडजेसेंट स्पैन है उनको अभी खोल दिया जाएगा। 2 अक्टूबर से पहले यहाँ से 2 स्पैन को बीच से खोल दिया जाएगा और 2 मैनेजमेंट यहाँ से स्पैन होने का ये कार्य कब तक पूरा होने की संभावना सर? कार्य लगभग 9 नवम्बर के आसपास ऊपर का वृक्ष आएगा, मतलब जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नवम्बर ये जो हाईवे और फ्लाईओवर जो बन रहा है, ये पूरा निर्माण काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन में और उनकी देखरेख में बन रहा है। इसको कोई कंपनी ने ठेका लिया है, जिसका ड्यूटी है कि इसको पूरी तरीके से बना के दिया जाए, पर 1.5-2 वर्षों से ये जो बन रहा है फ्लाईओवर, इसमें जो हमारी जो सोच है उसके अनुरूप ये उसका रखरखाव नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। फ्लाईओवर का काम डिले है, उसके साथ ही साथ जो आसपास की सर्विस लेन है उसका जो रखरखाव होना चाहिए, उसकी जो मैनेजमेंट होती होनी चाहिए, उसमें पूरी तरीके से ऐसा दिख रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने कलेक्टर साहब से बात किया, साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे से रायपुर में छत्तीसगढ़ इंचार्ज है पिपरी साहब, उनसे बात किया और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को उन्होंने पूरा भेज कर मौके का मुआयना करने के लिए और काम जल्दी से जल्दी कराने के लिए निर्देशित किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि चौक के ऊपर चौक पूरी तरीके से बाधित है, बंद है, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है। जहाँ ऑटो वाले चाहे बाइक वाले जिनको भी है आने जाने में बहुत दिक्कत थी, तो 2 तरफ का खोलने का आज आदेश हुआ है कि दोनों तरफ की साफ सफाई व्यवस्था करके उस चौक को चालू किया जाए गोल रूप में दोनों साइड का। इसके अलावा जो ब्रिज के साइड में जो 2-2 मीटर तक मिट्टी पड़ी हुई है, उस मिट्टी को भी साफ करके थोड़ा उसको चौड़ा किया जाए, जिससे कि आने जाने वालों को, बाइक वालों को या 4-व्हीलर वालों को दिक्कत से सामना ना करना पड़े। और इसके बाद इन्होंने आश्वस्त किया है कि वैसे काम तो लगभग 6 महीने से ऊपर का बचा है, लेकिन पूरी ताकत लगा के 2-2.5 महीने में ये लोग ब्रिज को चालू करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि यहाँ के भिलाई और आने जाने वालों को कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो मैं कलेक्टर साहब का, पिपरी जी का भी धन्यवाद दूंगा और यहाँ के अधिकारियों को कि उन्होंने बहुत ही सहयोगात्मक तरीके से ये पूरे में सहयोग करने का जो अपना वचन दिया है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पर काम होगा और यहाँ का जो व्यवस्था है सुपेला चौक का, पावर हाउस का, ये दोनों व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया की पहल के बाद निर्माता कंपनी ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि यह कार्य समय से पूर्व कर दिया जाएगा और बहुत जल्द भिलाई वासियों को इसका लाभ भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।